हेलो व्यूअर्स, इस समय रात के 8:15 हो रहे हैं, तो मैं काम कुम करके ख़त्म करा। आज मैंने पूरे घर में झाड़ू दोबारा लगाया, पोछा भी लगाया, पूरा घर कर दिया। कल डस्टिंग का काम करूँगी, ठीक है। और इसके पापा तो दोपहर से ही बाहर गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। और मैंने सोचा कि चलो मैं क्या बनाती हूँ, मैं ना बना रही हूँ गाजर और उसका टमाटर का सूप। ये मैंने कभी नहीं बनाया, मैं कहा ट्राई करती हूँ, बना के देखती हूँ कैसा बनता है। तो सारा पहले इनको काट लेना है। प्याज भी डाल रही हूँ, थोड़ा लहसुन भी डालूंगी, और अदरक का टुकड़ा जो रखा है ना मैंने यहाँ पे, अदरक रखा है पर आधा डालूंगी, अदरक ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। और लहसुन तो डालना ही है। तो वैसे भी अगर लहसुन और भी अदरक जो है ना, उसको खाने में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। स्वेलिंग वगैरह दूर होती है, एंटीबायोटिक होता है, तो ये अच्छा होता है। प्याज भी डालना चाहिए, सारी चीज़ें डालनी चाहिए, ठीक है। और तो बस मैं इनको काट लेती हूँ। पहले गसा को सबको धो लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको काटना शुरू करती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसको 2 सीटी दिलवाएंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और उसके बाद इसको मिक्सी में बैश करके फिर इसका सूप बनाएंगे, क्योंकि गाजर भी अच्छी है आजकल सीजन में आ रही है, टमाटर भी ठीक है, तो इनका सूप बना लेते हैं। चलो मैं बनाती हूँ, काट लेती हूँ पहले इसको। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए 2 सीटियाँ दिलवा दी थी, तो कुकर खुल गया अपने आप, और ये देखिएगा, ठीक है। थोड़ा ठंडा भी हो गया, मैंने ढक्कन हटाया हुआ है। मैं सोच रही हूँ इसको मिक्सी में मिक्स कर लेते हैं। कढ़ाई रख दी थी साथ में ही, क्योंकि आज मैं ना वैसे बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल, ठीक है। तो धीरे धीरे निकाल के इसमें डाल लेती हूँ और मिक्सी में चला लेती हूँ, ठीक है। तो चलो मैं ये कर लेती हूँ। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसमें हरी बड़ी मिर्च भी डाल ली है, ठीक है। वो अच्छी होती है, डालने में को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि सारा कुछ मिक्सी में मिक्स हो। पानी भी डाल दिया, देख लो पानी कितना डाला, जिसमें ये बस पूरा डूब जाए। ज़्यादा पानी नहीं डाला, क्योंकि बहुत पतला नहीं बनाना, जूर तो भी तो बाद में डाल लेंगे, ठीक है। अब इसको 2 सीटियाँ दिलवा देती हूँ गैस जला के, और उसके बाद ठंडा होने दूंगी, फिर मिक्सी में करके फिर देखेंगे क्या क्या डालना है। चलो मैं ये सब कर, चलिए व्यूअर्स गैस जला दी है, तो कर लेते हैं थोड़ा सा काम। थोड़ा सा हम लोग डालेंगे ये घी, थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं जीरा डालती हूँ, डिब्बा खोलना पड़ेगा एक मिनट, ये सामान जो है ना, एक सेकंड। इसमें मैं कड़ी पत्ती, ये पत्ता डाल देती हूँ, जब तक तोड़ के डाल देती हूँ ये तेज पत्ता, थोड़ा ये डाल देते हैं, एक मिनट में वेट मिलती हूँ। हेलो व्यूअर्स, निकाल दिया देखो मिक्सी में, मिक्सी में घुमा के लाती हूँ, निकाल दिया। तो फिर उसके बाद जो है, एक मिनट में जरा घुमा दूँ, चल हो गया काम खत्म, ये वाला तो हो गया काम खत्म। लीजिए जी, हो गया, मिक्सी में कर लिया। फोन आ रहा है उधर, मैं फोन सुन के आती हूँ, फिर हम इसको तो वो करते हैं। चलिए थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, टेस्ट आ जाएगा, जीरे का फ्लेवर भी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने, और उसके बाद जो है लहसुन प्याज और अदरक ये सब तो पहले डाला हुआ था, तो बस अब मैं इसको डाल देती हूँ एकदम से। ये डाला, डाल दिया मैंने, ये आवाज़ बड़ी अच्छी आई, ठीक है। अब इसमें नमक मिर्च डालना है, वो नहीं डाला मैंने। और ये जो इस थोड़ा सा मेरा ये बचा हुआ था, इसका पानी जो बच गया था, ये देखिए ये डालना है हमने, ठीक है। ये डाल दिया इसका पानी भी, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पानी डाल दिया। थोड़ा सा उसको हिला के डाल दूंगी मैं, मुझे ये लगा हुआ है इतना सारा, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको डाल देते हैं, उसके बाद नमक मिर्च डाल लेते हैं, मसाला वगैरह सब, थोड़ा सा, ठीक है। बस अब नमक मिर्च मसाला ही डालना है, इसको थोड़ा हिला के अच्छे से डाल देते हैं। साइडों में लगा होता है ना ये बहुत सारा, ये लेके ये डल गया। चलो इसको धो के रखेंगे हम अभी, और इसको देखते हैं कैसा बन, कैसा है, ये देख पतला बना है ना,
इतना ही चाहिए बस, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इसमें नमक मिर्च मसाला डाल लेती हूँ, ठीक है। एक मेरे को चाहिए प्लेट, वो उसके ऊपर फिट आ जाए ये वाली, ठीक है। प्लेट हो गई। आज पता है मैंने कढ़ी चावल बनाने हैं, तो अभी कढ़ी की तैयारी करनी है। वैसे तो दही में बेसन तो घोल दिया मैंने, पर बाकी अभी चीज़ें काटनी है, तो पहले मैंने सोचा इसका काम ख़त्म कर लेती हूँ ना, ये हो जाएगा तो उसके बाद आराम था। इसके पापा का भी फ़ोन आ रहा था, वो अभी तक कोटला में ही बैठे हुए हैं, अभी दोपहर के निकले हुए हैं, अभी तक कोटला ही बैठे हुए हैं। और फ़ोन आ रहा था कैसे क्या सामान लाना है, तो मैं उनको बता रही थी क्या क्या लाना है, बता दिया था लिस्ट में। बाद में कुछ सामान मुझे बाद में याद आया, तो फिर मैंने कहा चलो, मैंने उनको SMS कर दिया। नमक डाल दिया मैंने स्वादानुसार, काला नमक डाला है, पाक कम ख़त्म हो गया तो फिर दूसरा भी डाला है, ठीक है। थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है, लाल मिर्च डल गई। थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, अच्छा लगेगा फ्लेवर का। चाट मसाला मेरे पास है नहीं, आज मंगवाने के लिए बोला है इनको। और उसके बाद थोड़ा सा मैं डालूंगी, मेरे पास ना ये वो है पुदीना, ना घर में हो तो पुदीने का मेरे पास पाउडर है, एक बार लेकर आई थी मैं, तो थोड़ा सा मैं पुदीना पाउडर भी डाल देती हूँ, पुदीने का फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा डाल देते हैं इतना सा बस, ठीक है, थोड़ा पुदीने का भी फ्लेवर आ जाएगा ना बस। अब एक बार को देख लेती हूँ भाई नमक मिर्च ठीक है कि नहीं, बस एक थोड़ा सा बॉयल ही दिलवाना है, और क्या करना है इसको, ठीक है। पुदीना इस बार वीर बाजार से लेकर आऊँगी मैं, क्योंकि पुदीना ना घट कई जगह काम आ जाता है मेरा ना, वो भी अब ख़त्म हो गया, धनिया भी थोड़ा सा ही रह गया, तो आज कढ़ी बनानी है उसमें डाल दूँगी, जो थोड़ा सा रह गया ना वो कढ़ी में डल जाएगा, ठीक है। ये सामान सारा इधर ही रख लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं करनी है कढ़ी की तैयारी, ठीक है। बस इसको एक बॉयल ही दिलवाना है आराम से, उसके बाद का फ्लेवर चेक करना है कि देखो कैसा बना है, अच्छे से बॉयल आ जाए तो फिर हम देखो सर्व कर देंगे, टेस्ट कर लेंगे फिर सर्व कर देंगे, ठीक है। चलो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे, पहले ये थोड़ा बॉयल आ जाए, इसको टेस्ट कर लीजिए। सूप बन गया है मेरा, नमक कम था मैंने डाल दिया है, बाकी सब ठीक है। ये देखिए कितना कलर सही आ रहा है, सारी गाजरें मिक्स हो गई अच्छे से ना, मिक्सी में कर लिया ना, लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च सब मिक्स हो गया। तो चलो मैं इसको सर्व कर देती हूँ, पूरा तैयार हो गया है, गैस बंद कर रही हूँ।